नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट का तड़का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो आज की पहली खबर है वो आ रही जस्टिन लांगर को लेकर। ठीक है, जस्टिन लांगर जो है इस वक्त है ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच है और उन्होंने हाल ही में हुए इंटरव्यू में एक ये सलाह दी है सारे खिलाड़ियों को जो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक से दूर है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें। दोस्तों उन्होंने वो इसलिए कहा क्योंकि कोविड के चलते इस समय जो है क्रिकेट काफ़ी लंबे टाइम से बैन था, हाल ही में स्टार्ट हो चुका बट फिर भी कहीं ऐसे खड़े जिन्हें मौका नहीं मिला है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा ताकि उनको मेंटली प्रेशर ना पड़े। अब बढ़ते हैं दोस्तों मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों दूसरी खबर जो है वो करुण नायर को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, करुण नायर जो कि किंग्स इलेवन टीम के बल्लेबाज हैं वो कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे जिसके चलते उन्हें एक हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रखा गया था, बट अब वो ठीक हो चुके हैं और अब वो यूएई जाने के लिए अपनी टीम के हेड जो उनका ग्रुप का बेंच होगा वो वहां जाके ऐड हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बोली तीसरी खबर। दोस्तों जो तीसरी खबर है वो आ रही है करण तिवारी के लिए। दोस्तों बड़ी दुख भरी खबर है, करण तिवारी जिन्हें मुंबई का डेल्स चेन भी कहा जाता था मात्र 27 साल के थे और उनका निधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि इस बार के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में ना शामिल होने से किसी भी टीम में खरीदने से इसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया और जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों बड़ी दुख खबर है, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी चौथी खबर की तरफ। दोस्तों जो चौथी खबर है वो आ रही है मोहम्मद हफीज़ को लेके। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ जो कि पाकिस्तानी बल्लेबाज है और जिन्हें इंग्लैंड टेस्ट टीम के लिए चुना गया था वो बायसिक्योर बबल नियम का पालन ना करने के चलते उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया गया है। दोस्तों वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट डाला था अपने ट्विटर पे जो मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट इसमें उन्होंने लिखा, मीट एन इंस्पिरेशनल यंग लेडी टुडे मॉर्निंग एट गोल्फ कोर्स, शी इज 90+ एंड ही लिविंग हर लाइफ हेल्थी एंड हैप्पी गुड हेल्थ रूटीन। और इसी के चलते काफ़ी बार वो ट्रोल किए गए, मीम किए गए, जिसके चलते पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया है कि बोर्ड ने कि उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और वो उससे दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चार बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों फिर होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो।